प्यारे बच्चों, आज हम 11वीं क्लास के लिए लॉज ऑफ मोशन का बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन होता क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फ्रिक्शन, व्हाट आर द लॉज ऑफ फ्रिक्शंस, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, एंड व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स बाई विच वी कैन रिड्यूस दी फ्रिक्शन, क्या फ्रिक्शन हमारे लिए एडवांटेजियस है या इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। इन तमाम पॉइंट्स पर आज हम बहुत कुछ यहाँ बताने वाले हैं। तो इस पूरी जानकारी के लिए आप अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें, और जो स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं वो अपने इस चैनल फिजिक्स बाई आईसी सर को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। फ्रिक्शन के बारे में जानें। फ्रिक्शन, इसको हम फ्रिक्शन कह दें या फिर ब्रीफ में या फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण बल। प्यारे बच्चों, ये हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था फोर्सेज के बारे में, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। क्या होता है ये देखिए कि जब भी कोई बॉडी मूव करती है किसी सरफेस पर या मूव करने की कोशिश करती है, तब फ्रिक्शन डेवलप होता है और उसका काम रिलेटिव मोशन का अपोज करना होता है। ये देखिए कि जब हम तो कोई बॉडी, सपोज कीजिए ये ब्लॉक है और ये किसी सरफेस पे रखा हुआ है, अगर ये बॉडी मूव करे या फिर मूव करने की कोशिश करे तो ही इसमें वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप हो जाता है, जिसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। चलिए पहले देख लेते हैं कि फ्रिक्शन होता क्या है। द फोर्स विच कम्स इन टू प्ले व्हेन ए बॉडी मूव्स और टेंड्स टू मूव ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, इट ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडी। मतलब अगर बॉडी इधर जाने की कोशिश कर रही है तो फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है, ये मोशन का, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। इसके भी हम बात करेंगे। जैसे अगर मैं इसको आपको यहाँ एक पॉइंट से बताने की कोशिश करूँ तो ये देखिए आप, ये एक बॉडी है। अब अगर हम इस पर, इस बॉडी का जो वजन है दैट विल एक्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इस पर नॉर्मल रिएक्शन जो है वो ऊपर की तरफ एक्ट करेगी। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। अब अप्लाइड जो फोर्स है, मान लो हम इस बॉडी को इधर खींचना चाहते हैं, पुल करना चाहते हैं, जिसको मैं पी से लिख देता हूँ, ये क्या है, ये हमारा अप्लाइड फोर्स है। अप्लाइड फोर्स, ये देखिए जैसे ही हम इसको इधर फोर्स लगाएंगे तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप हो जाता है। मतलब ये जरूरी नहीं कि बॉडी मूव ही करे, अगर बॉडी की मूव करने की इंटेंशन है, टेंडेंसी है, तो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप हो जाता है। ये दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ये है और एक बॉडी हमारी ये है, ये वाली बॉडी। दोनों बॉडी के जो
सरफेस हैं जो ये वो हिस्सा है जहाँ ये दोनों आपस में कॉन्टैक्ट में हैं। तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये इन दो सरफेसेस की कॉन्टैक्ट जो आपस में कर रहे हैं इनकी नेचर और इनकी रफनेस पर डिपेंड करता है। तो प्यारे बच्चों ये डेफिनेशन हो गई हमारी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है। ओरिजिन कह दीजिए या फिर हम इसको कह सकते हैं कॉज ऑफ फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन किस वजह से डेवलप होता है ये बात हमें पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि ये जितनी भी बॉडीज हैं उनकी रफनेस की वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो डेवलप होता है। रफनेस की वजह से जितना ज़्यादा खुरदरा रफ सरफेस होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी उतना ही होगा। आप कह सकते हैं कि सर कोई अगर सरफेस बिल्कुल स्मूथ है तो क्या वहाँ फ्रिक्शन होगा? तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पे कि नो बॉडी इज परफेक्टली स्मूथ इन दिस यूनिवर्स, कोई बॉडी स्मूथ नहीं है। हाँ न्यूमेरिकल्स के अंदर जहाँ हम ये कहें कि द सरफेस इज टेकन स्मूथ, इट मीन्स दैट वहाँ पर आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को नेग्लिजिबल या नेग्लेक्ट कर ही चलना है अगर वो कहता है परफेक्टली स्मूथ, बट नो बॉडी इज परफेक्टली स्मूथ। देखिए हम यहीं से इसकी शुरुआत करते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास ये एक बॉडी है, ये इस बॉडी को हमने इस बॉडी पर रख दिया है। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि नो बॉडी इज परफेक्टली स्मूथ। व्हेन वन बॉडी इज प्लेस्ड ऑन अनदर बॉडी then at certain points the molecules of one body come in actual contact of the molecules of the another body। ये जहाँ ये सर्कल मैंने लगाए हैं ये जो पॉइंट्स हैं इन्हें हम कह रहे हैं पॉइंट्स ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट, पॉइंट्स ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट। जबकि जब हमने इस बॉडी को इस पर रखा है तो हमें लगता है कि ये हर जगह से ये बॉडी इस बॉडी के ऊपर कॉन्टैक्ट में है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ हमें लग रहा है कि ये वो पॉइंट्स हैं जिन्हें हम कहते हैं पॉइंट्स ऑफ अप्रियंट कॉन्टैक्ट, जहाँ लग रहा है कि वो कॉन्टैक्ट में है लेकिन वो कॉन्टैक्ट में नहीं है। इनको मैं फिर लिख देता हूँ पॉइंट्स ऑफ, शुरुआत हम यहीं से करेंगे कि नो बॉडी इज परफेक्टली स्मूथ। व्हेन वन बॉडी इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अनदर बॉडी एट सर्टेन पॉइंट्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ वन बॉडी कम इन कॉन्टैक्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द अनदर बॉडी कॉल्ड पॉइंट्स ऑफ द एक्चुअल कॉन्टैक्ट। एट दीज पॉइंट्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ वन बॉडी फॉर्म द बॉन्ड्स with the molecules of the another body due to the molecular interaction. Now, if we want to move this body, then first of all we have to break these molecular bonds. In molecular bonds को तोड़ने के लिए, break करने के लिए, देखिए नीचे से बंधी हुई है, अगर मैं इसको move करवाना चाहता हूँ तो पहले हमें इन molecular bonds को break करना ज़रूरी, और इनको ब्रेक करने के लिए हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा। जितना फोर्स इन मॉलिकुलर बॉन्ड्स को ब्रेक करने में लगाना पड़ेगा वो फोर्स हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इक्विवेलेंट होता है। हम यही कहेंगे कि इन ऑर्डर टू मूव दिस बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द अनदर बॉडी सम फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू ब्रेक दीज मॉलिकुलर बॉन्ड्स। दिस फोर्स विच इज इक्विवेलेंट टू दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आप देख रहे हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इट इज इलेक्ट्रिकल इन ओरिजिन, मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इलेक्ट्रिकल इन ओरिजिन। और इस तरीके से आपको पता चल गया होगा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का कॉज क्या है, क्यों फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप होता है, पैदा होता है। जितनी ज़्यादा रफ सरफेस होगा उतना ही ये मॉलिक्यूल्स ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आते हैं
और मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स बनते हैं और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ज़्यादा होता है। स्मूथ सरफेस होता है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होता है। जब क्वेश्चंस में कहा जाए कि द बॉडी सरफेस इज टेकन परफेक्टली स्मूथ, इट मींस दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज टेकन नेग्लिजिबल देयर। फ्रिक्शन को दो मेन कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, एक होता है, अगर हम इसी को इसी तरीके से लिखें तो फ्रिक्शन कैन बी पुट इन टू कैटेगरीज मोटे तौर पर। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, और एक जो फ्रिक्शन है दूसरी टाइप का, वो एक तो मैंने ये बताया है और दूसरी जो टाइप है वो है काइनेटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कैन बी पुट इन टू कैटेगरीज। चलिए थोड़ा सा हम इसकी बात कर लेते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के मुताबिक देखें, ये एक्शन और ये रिएक्शन, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के तहत हम यहां क्या लिखेंगे, आर इज द नॉर्मल रिएक्शन। अब यहां से देखिए, जैसे हम यहां पर अभी ये बॉडी रेस्ट में है, इसकी कोई इंटेंशन नहीं है, कोई टेंडेंसी नहीं है मोशन में आने के लिए। जैसे सपोज कीजिए ब्लॉक है, इस समय ये यहां रखा हुआ है, ये मूव नहीं कर रहा है, कोई फोर्स इस पर लग भी नहीं रहा है, तो इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है, जीरो है, कोई फ्रिक्शन नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने पुश किया इसको, जैसे कोई हैवी ब्लॉक है और उसको हमने इस पर धक्का लगाया, लेकिन ये ब्लॉक मूव नहीं किया। अब मैंने जब इसको पुश किया तो इसकी इंटेंशन तो थी, इसकी टेंडेंसी तो है इस सरफेस पर मूव करने की, तो उस समय जो फ्रिक्शन होगा, लेकिन बॉडी चल नहीं रही है, बॉडी की टेंडेंसी है मूव करने की, तो उस समय जो फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। यानी कि हमने इस पर अप्लाइड फोर्स लगाया, ये देखिए यहां मैं अप्लाइड फोर्स कह रहा हूं, अप्लाइड फोर्स। जैसे ही अप्लाई किया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो डेवलप हो गया बेटे इधर, लेकिन जितना फोर्स इधर लगा अप्लाई किया उतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप हो गया और दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया। ये पहले ही एक दूसरे को एक्शन एंड रिएक्शन के तहत बैलेंस कर रहे हैं, और ये जो बॉडी है ये इक्विलिब्रियम कंडीशंस में है, रेस्ट अवस्था में है। इस स्टेज पर जो फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। यानी जब बॉडी मूव करने की कोशिश करे उस समय जो फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। मैं इसको यहां यही लिखूंगा, ये देखिए इसको आप इस तरह से लिखेंगे, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मैं स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर, स्टैटिक का मतलब रेस्ट, फ्रिक्शन क्या कहेंगे, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इन टू प्ले व्हेन ए बॉडी टेंड्स टू मूव, ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, टेंड्स टू मूव, मूव करने की कोशिश करती है, बट रिमेन एट रेस्ट, बट रिमेन एट रेस्ट। एक और बात यह है कि चलिए मैंने थोड़ा सा फोर्स और बढ़ा दिया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ जाता है, इट इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, एज द अप्लाइड फोर्स इंक्रीजेज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आल्सो इंक्रीजेज। ये बात आप लोग यहां देख सकते हैं, जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स हम लोग बढ़ा रहे हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी प्रोपोर्शनली इंक्रीज हो रहा है। आप कह सकते हैं इट इज ऑटो जनरेटेड फोर्स, जब अप्लाइड फोर्स जीरो था तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी जीरो था, जैसे जैसे फोर्स ऑफ अप्लाइड फोर्स को हमने इंक्रीज किया द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इंक्रीज किया। अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें अप्लाइड फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बीच में,
तो वो ग्राफ देखिए हमारा किस टाइप का करने की कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ पे। इधर हम ले रहे हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स ले रहे हैं, और इधर हम ले रहे हैं अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स को हम पी से लिख रहे हैं, जबकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम यहां एफ से डिनोट कर रहे हैं। अब मैं जैसे बता रहा था कि जब अप्लाइड फोर्स नहीं था तो बॉडी की कोई टेंडेंसी भी नहीं थी मोशन की, इसलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कितना था, जीरो। जैसे जैसे फोर्स ऑफ अप्लाइड फोर्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये देखिए जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स इंक्रीज हो रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ता जा रहा है। इसीलिए हमने यहां लिखा है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, इट ऑटो जनरेटेड विद द अप्लाइड फोर्स। और ऐसा होता रहेगा, आप इस बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं, बॉडी मूव नहीं कर रही है बट फोर्स लगा रहे हैं, फिर फोर्स बढ़ाया, फिर बॉडी नहीं मूव, क्यों नहीं मूव की ये बॉडी, क्यों नहीं मूव की इसको पुल करने के बाद भी, फोर्स लगाने के बाद भी। इसका मतलब कोई फोर्स था जो इस बॉडी को बैलेंस कर रहा था, वही तो था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और जैसे जैसे हमने इसको बढ़ाते चले गए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ता चला गया, यानी कि बॉडी बैलेंस्ड अवस्था में रही। इस दौरान जो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हुआ उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, क्योंकि बॉडी की टेंडेंसी थी, इंटेंशन थी मोशन की बट बॉडी मूव नहीं कर रही थी। लेकिन ऐसा हम कब तक रहेंगे, हम धीरे धीरे फोर्स बढ़ाते चले गए बढ़ाते चले गए, फिर एक स्टेज जरूर आ जाती है तब हम कहते हैं कि भाई अब लिमिट आ गई है। इसके बाद अगर फोर्स बढ़ाया तो बॉडी चल देगी इस सरफेस पर, बॉडी मूव करने लग जाएगी। तो जब बॉडी मूव करने वाली थी उस समय जो फ्रिक्शन होता है, ये देखिए यहां तक जो फ्रिक्शन था, क्योंकि बॉडी अभी तक क्या है, द बॉडी इज एट रेस्ट, तो इसे हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। यहां तक जो सिचुएशन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन की है सारी। अब यहां पर देखिए, अब जैसे ही थोड़ा सा भी फोर्स आप ओ बढ़ाओगे तो बॉडी मूव कर जाएगी। ये जो फ्रिक्शन है, ये देखिए, ये तो स्टैटिक फ्रिक्शन था यहां तक तो, लेकिन इसमें जैसे ही और बढ़ाया और थोड़ा बढ़ाएंगे तो बॉडी चलने वाली ही होती है। यानी कि ये कह सकते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू थी, क्योंकि उसके बाद तो बॉडी चल जाएगी, बॉडी जब तक रुकी हुई है, बॉडी इन फोर्सेस से बैलेंस्ड हो रही है, तब तक तो वो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। और फिर जब बॉडी चलने वाली थी उस समय जो फ्रिक्शन है वो कहलाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसकी डेफिनेशन क्या दोगे, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले, मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं, और ये है मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि इससे आगे थोड़ा सा भी फोर्स और डेवलप किया और बढ़ाया तो ये बॉडी मूव कर जाएगी। लेकिन जब मूव नहीं किए, मूव करने वाली है, उस समय जो फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है। This is the limiting friction. ये देखिए, आप definition क्या देंगे, the force, इसी से आप देख सकते हैं क्या change आएगा, the force of friction which comes into play when a body just at a point to move on the surface of another body is called limiting friction. इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो यहां भी था यहां भी था, जो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन। और इसके बाद अगर और फोर्स लगाया लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद तो बॉडी मूव कर जाएगी। और जब बॉडी मूव कर जाती है, देखिए बेटे, उस समय जो फ्रिक्शन होता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। ये 30 इसकी डेफिनेशन है। तो बेटे देखिए, अब मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं, व्हाट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक का मतलब तो मोशन होता है, जब बॉडी इस पर है और इसको हमने फोर्स बढ़ाते बढ़ाते बढ़ा दिया, अब ये बॉडी फोर्स चल पड़ी है, मूव कर रही है, इस समय जो फ्रिक्शन है वो काइनेटिक फ्रिक्शन है। आप इसको ये लिखेंगे, डेफिनेशन क्या देंगे, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इन टू प्ले When a body moves on the surface of the another body,
मूव्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, आप इस तरीके से लिखेंगे, यानी कि आप काइनेटिक फ्रिक्शन की जो डेफिनेशन देंगे वो इस तरह से देंगे। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इन टू प्ले व्हेन ए बॉडी मूव्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। ये देखिए, अब जब बॉडी चल चुकी है उस समय जो फ्रिक्शन है वो काइनेटिक फ्रिक्शन है। अब काइनेटिक फ्रिक्शन आप मोशन भी तो कई तरीके का हो सकता है, हो सकता है कोई बॉडी इस तरह से स्लिप होते हुए स्लाइड करते हुए जा रही हो। अगर मोशन स्लाइडिंग है ऐसे तो उसे हम कहेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी कि यही जो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन है इसी को हम क्या कहेंगे, ये कितने, ये क्या हो सकता है, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो सकता है। इफ द बॉडी स्लाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द अनदर बॉडी देन द काइनेटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और अगर बॉडी रोल करती हुई जा रही है तो उसे हम रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे, उस काइनेटिक फ्रिक्शन को हम रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। अच्छा, कई बार यह भी होता है जैसे किसी लिक्विड के अंदर कोई बॉडी मूव कर रही है, एयर में बॉडी मूव कर रही है, तो भी जो है वहां फ्रिक्शन होता है लिक्विड और उस बॉडी के सरफेस के बीच में, या एयर और उस बॉडी के सरफेस के बीच में, उस फ्रिक्शन को हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि काइनेटिक फ्रिक्शंस में भी स्लाइडिंग फ्रिक्शंस, रोलिंग फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन, डिपेंडिंग ऑन दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी फ्रिक्शन। ये पॉइंट्स आपने देखा बेटा, इन सब पॉइंट्स को जानने के बाद हम ये देखते हैं कि व्हाट आर दी लॉज ऑफ फ्रिक्शन। इन्हीं सभी पॉइंट्स को जो अभी तक हमने पढ़े हैं इन सबको एक जगह रख दें पॉइंट्स वाइज, तो वो बन जाएंगे लॉज ऑफ फ्रिक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल पूछा जाता है एग्जाम्स में भी कि राइट डाउन द डिफरेंट लॉज ऑफ फ्रिक्शन। देखिए बेटे, देर आर फॉलोइंग लॉज ऑफ फ्रिक्शन, मतलब अलग अलग तरीके से हम उन लॉज को लिख सकते हैं जो भी पॉइंट्स हमें पढ़े थे। आप लिखेंगे देर आर फॉलोइंग लॉज ऑफ फ्रिक्शन। नंबर वन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन, ये नहीं है कि ये सरफेस ऊपर वाला कैसा है इससे कोई मैटर नहीं करता, इधर कितना ऐसा है, जो सरफेस कॉन्टैक्ट में है, क्योंकि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये कैसा है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, इसलिए जो दो सरफेस कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं उनकी नेचर कैसी है और उनकी रफनेस कितनी है ये उन पर डिपेंड करता। तो पहला लॉ हमारा यही है कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड द स्टेट ऑफ रफनेस ऑफ द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। मतलब सॉफ्ट सरफेस है तो फ्रिक्शन कम होगा, हार्ड सरफेस है तो ज़्यादा, तो नेचर हो गई, और रफ कितना है, जितना ज़्यादा खुरदरा सरफेस होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी उतना ही होगा ये वाले सरफेस जो कॉन्टैक्ट में आ रहा है। दूसरा पॉइंट डायरेक्शन से संबंधित है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ये हमेशा जो दो बॉडी आपस में जो सरफेस कॉन्टैक्ट में है वहाँ अगर हम एक टेंजेंट ड्रा कर दें तो उस टेंजेंट के अलोंग ये फोर्स एक्ट करता है, हमेशा अप्लाइड फोर्स या रिलेटिव मोशन के
अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि दूसरा ही पॉइंट हम ये लिखने चाह रहे हैं कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट, जैसे ये बॉडी है, ये बॉडी है, अगर हम एक टेंजेंट खींच देते, ये होगी ना टेंजेंट जो दोनों सरफेसिस को टच करती हुई चल रही है, वो टेंजेंट है। अब अगर मैं बॉडी को इधर खींचना चाहूँगा, बॉडी इधर मूव करने की कोशिश करेगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर एक्ट करेगा इस टेंजेंट के अलोंग, अगर मैं इसको इधर मूव करूँगा तो ये फ्रिक्शन फोर्स फिर इधर लग जाएगा। मैं यही बात यहाँ कहने चाह रहा हूँ कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट अलोंग द टेंजेंट, टेंजेंट टू द कॉमन सरफेस, इन कॉन्टैक्ट, कॉमन सरफेस इन कॉन्टैक्ट, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन। फिर बच्चों यहां कई बार एक मिसकंसेप्ट बनता है कि हम कहते हैं कि भाई बॉडी के मोशन के अगेंस्ट है, कई बच्चे पॉइंट्स में लिख देते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन वर्ड यहाँ ज़्यादा प्रॉपर है नहीं, हमेशा ये सही भी नहीं उठता। देखिए मैं एक उदाहरण देकर के आपको समझाता हूँ यहीं पर ही। जैसे सपोज कीजिए ये कोई ट्रक है और ये इधर मूव कर रहा है और इसके अंदर ये ब्लॉक रखा हुआ, कोई ये ब्लॉक रखा हुआ, अब ये मुंह तो इधर कर रहा है ना, लेकिन इनर्शिया की वजह से क्या होगा, जैसे जब ये ट्रक इधर जाएगा आगे की तरफ मुंह कर रहा है तो इस ये ब्लॉक तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से पीछे की तरफ मुंह करने की कोशिश करेगा ना, तो यहां जो फ्रिक्शन डेवलप होगा वो इसी दिशा में डेवलप हो जाएगा, जबकि मोशन भी इधर ही है। इसका मतलब ये हमेशा जरूरी नहीं होता कि भाई अप्लाइड फोर्स या जिधर मोशन है उसके अपोजिट में ही फ्रिक्शन एक्ट करता है। आप ये कह सकते हो कि रिलेटिव मोशन, ये बॉडी किधर मूव करना चाहती है उसका अपोज करता है। अगर ये बॉडी इधर मूव करने की कोशिश में है तो फ्रिक्शन इधर एक्ट करेगा, बॉडी इधर मूव करने की कोशिश कर रही है तो ड्यू टू इनर्शिया दिस ब्लॉक टेंड्स टू मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इवन द बॉडी इज ऑल्सो मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। दूसरा ये देखिए मैं एक और पॉइंट बनाता हूँ यहाँ पे, ये व्हील है कोई भी और ये इधर जा रही है, ये व्हील किधर मूव कर रहा है, ये कोई गाड़ी है, व्हील है, ये इस दिशा में मूव कर रहा है, यहाँ पर इस दिशा में मूव कर रहा है। अब बताइए इस ये अपना रोड है, अब ये जो व्हील इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है तो फिर यहाँ पर बताइए मुझे इस पॉइंट के ऊपर ये किधर मूव करने की कोशिश कर रहा है, ये इधर कर रहा ना, ये पॉइंट तो इधर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा, दैट विल आल्सो एक्ट इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का काम तो अपोज करना है, तो इधर ये बॉडी इस डायरेक्शन में लग रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन और इसी डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है। मेरा मतलब इसीलिए मैंने ये दूसरे लॉ में ये पॉइंट लिखा है और ये मिसकंसेप्ट आप क्लियर कर लें कि खाली मोशन ना लिखें, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द मोशन रिलेटिव मोशन, कि जो दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन है उसके ऊपर, ये बॉडी उधर जा रही है तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ एक्ट करेगा इस बॉडी के ऊपर और ये हमेशा पेयर्स में एक्ट करता है बेटे, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखें। ये दूसरा वाला पॉइंट हमारा हो गया, इसमें फ्रिक्शन है, अगर एक बहुत भारी बॉडी है उसको धकेलना और ज़्यादा मुश्किल है, क्यों भाई, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा हो गया, इसका मतलब जब ज़्यादा वजन होगा तो फिर फ्रिक्शन भी ज़्यादा है, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो नॉर्मल रिएक्शन पर, क्योंकि आर इज इक्वल टू एम जी इस स्टेज के अंदर अगर हम देखें तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन आप देख रहे हैं ये हमारी वेट के बराबर है, तो जैसे जैसे वेट बढ़ेगा नॉर्मल रिएक्शन भी बढ़ रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एज दिस नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीजेज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आल्सो इंक्रीजेज, ये हमारा लास्ट है।
नेक्स्ट, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। यहां पर ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, और जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाते हैं और उसको इक्वल में बदलना चाहें तो फिर हमें एक ये देखिए, एफ इज इक्वल टू म्यू आर, वेयर दिस म्यू इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। यहां ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट जानना, वेयर म्यू इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे हम, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ द रफनेस एंड द नेचर ऑफ द सर्फेस इज इन कॉन्टैक्ट, कि जो ये सर्फेस कॉन्टैक्ट में आपस में, ये वाला ये दोनों कॉन्टैक्ट में है, उनकी नेचर कैसी है और उसकी रफनेस की स्थिति कैसी है, स्टेट कैसी है, उन पर डिपेंड करता है ये चीज। अभी हम तीसरा, अच्छा एक पॉइंट इसमें और पॉइंट है, कई बार लिमिटिंग फ्रिक्शन की मैं बात करूं तो अगर मैं इस बॉडी को ऐसे रखूं तब फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, कई बार कन्फ्यूजन आ जाता है कि अगर मैं इस बॉडी को ऐसे रखें तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, या इस बॉडी को मैं ऐसे रख दूं तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि जब ऐसे रखा था तो इतना एरिया कॉन्टैक्ट में था, ऐसे रखा तो इतना एरिया कॉन्टैक्ट में आया है, तो फ्रिक्शन किस अवस्था में ज़्यादा होगा। तो यहाँ बेटे लिमिटिंग फ्रिक्शन की विशेष तौर पर मैं जो पॉइंट लिखूंगा यहाँ पर वही है कि द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। कई बार कन्फ्यूजन ये हो जाता है भाई ज़्यादा एरिया कॉन्टैक्ट में है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं है, ये एरिया पर डिपेंड नहीं करता, नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट यही लिखेंगे आप कि फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द नॉर्मल रिएक्शन एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट, ये दूसरा पॉइंट। तो इस तरीके से बेटे ये चार पॉइंट्स जब आप लिख देंगे तो ये बन जाएंगे हमारे लॉज ऑफ फ्रिक्शन। अब इसमें कई महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो हैं हमें यहाँ पढ़ने होंगे, देखिए इस फ्रिक्शन से संबंधित, और हर जगह हम फिर लॉज ऑफ फ्रिक्शन को यूज करेंगे, जैसे कोई आपसे अलग से ही डिफाइन करवा ले कि व्हाट इज कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, व्हाट इज कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, तो शुरुआत वहीं से कर लोगे आप, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ फ्रिक्शन, यही से हम उसकी डेफिनेशन देंगे, उसके यूनिट वगैरह लिख देंगे। देखिए लॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या कहता है, अभी हमने बात कही थी थोड़ी देर पहले जो मेन लॉ है, बाकी तो चार लॉ हमने पढ़े थे बट दिस इज द मेन लॉ। यहां पर ये जो म्यू है यही है कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, तो इसको डिफाइन करना है तो आप कैसे करेंगे, आप सीधा लिखेंगे कि दिस इक्वेशन कैन बी रिटन म्यू इज इक्वल टू एफ बाई आर, ये देखिए, और यहां से डेफिनेशन आ गई है कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन की। आप क्या कहेंगे, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि दोनों ही फोर्स हैं, एक जैसी फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इट हैज नो यूनिट नो डायमेंशनल फार्मूला, इसकी कोई, इट इज जस्ट प्योर नंबर, एक नंबर ही होता है, ना ही कोई यूनिट होती है। अच्छा दूसरा पॉइंट यह है कि यह किस चीज पर डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन the नेचर एंड स्टेट ऑफ रफनेस, स्टेट ऑफ द सर्फेसिस इन कॉन्टैक्ट, उन पर डिपेंड करता है, और इसकी जैसे मैंने पहले ही बता दिया आपको, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, दोनों ही फोर्स हैं और कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, ये लीजिए, इट इज जस्ट ए नंबर, जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, ये देखिए।
भाई जो नॉर्मल रिएक्शन है वो तो जो है सो है, किसी बॉडी टू वेरी करेगी, बट ये सरफेस पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा उतना ही ज़्यादा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखिए बेटे, सपोज कीजिए वही बात मैं फिर बना रहा हूँ यहाँ पे, कि ये हमारे पास एक कोई सरफेस है और इस पर ये कोई दूसरी बॉडी रखी हुई है। ये देखिए, अब इसका जो वजन है पहले की तरह वही डायग्राम, mg इज द वेट ऑफ द बॉडी एक्टिंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ये देखिए दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन r, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। और जब इस बॉडी को हम इधर अप्लाइड फोर्स करेंगे, मान लो इस बॉडी को हम इधर खींचेंगे, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इस टेंजेंट के अलोंग इधर एक्ट करेगा। ये इस पॉइंट को मैं ओ कह देता हूँ, तो ये ए, ये जो हो गया ये हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हुआ। क्यों? कि अगर हम इस बॉडी को आगे की तरफ इस डायरेक्शन में मूव करवाएंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अब ये देखिए, नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट है, क्योंकि आर इधर एक्ट कर रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर एक्ट कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन, ये देखिए बेटे, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है किसका, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का, वो कौन सा हो जाएगा, वो ये हो जाएगा। ये देखिए, दिस इज दैट, ये रिजल्टेंट है किस किस का, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का और नॉर्मल रिएक्शन का। इसको मैं ओ ए बी सी ए कह देता हूँ। फिर से देख लीजिए, जब बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगी या मूव करेगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर एक्ट कर रहा है। ये तमाम बातें हम बहुत बार इस लेक्चर में बता चुके हैं, तो चलिए देखिए ये क्या है। अभी मैंने बताया आपको, इट इज़ द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। ये जो है ये नॉर्मल रिएक्शन के साथ कितनी डिग्री का एंगल बना रहा है, इसी एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यानी कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन की क्या डेफिनेशन हुई, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन मेक्स विद द नॉर्मल रिएक्शन, इट इज डिनोटेड बाई बीटा। चलिए इसको लिख लेते हैं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की। इट इज द एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन मेक विद द नॉर्मल रिएक्शन, इट इज डिनोटेड बाई बीटा। ये देखिए, ये वाला जो एंगल आप देख रहे हैं यही है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इन ट्राइंगल ओ बी सी, अब मुझे बताइए, इन ट्राइंगल ओ बी सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट बीटा। इस ट्राइंगल में मुझे देख के बताइए, ओ बी सी परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर कितना है बी सी, बेस कितना है ओ बी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटे, देखिए बी सी किसके बराबर है, ये तो एफ के बराबर है, ये दोनों तो पैरेलल है, तो क्या लिखोगे आप, इट इज इक्वल टू एफ, बी सी इज इक्वल टू ओ ए एंड ओ ए इज इक्वल टू एफ एंड ओ बी, ये ओ बी है एंड ओ बी इज इक्वल टू आर। ये देखिए, ये आ गया हमारे पास टेंजेंट बीटा। और अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या बताया था, यानी कि यूजिंग लॉज ऑफ फ्रिक्शन। अब हमारे पास वो स्टैंडर्ड का लॉ हो गया है जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, क्या था बेटे, एफ बराबर म्यू आर, यही तो है हमारा लॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो यहां से
एफ बाई आर कितना हो जाएगा बेटे, एफ बाई आर इज इक्वल टू म्यू। इसका मतलब यहां पर ये देखिए, एफ बाई आर के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, म्यू, जो कि कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है, यानी कि टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू म्यू। ये भी महत्वपूर्ण रिजल्ट है बेटे। दिस इक्वेशन सेट अप द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। यहां हम एक बात कह सकते हैं कि टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कई बार कि डिफाइन द एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन एंड सेट अप द रिलेशनशिप बिटवीन देम। तब आपको यहां तक वो दोनों, पहले कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन दोगे, फिर एंगल ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन दोगे और ये रिलेशनशिप सेटअप कर दोगे। तो ये इन दोनों में रिलेशन आ गया। याद रखें टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू म्यू। रिपोज ये देखिए, थोड़ा समझने की चीज है। ये देखिए, मान लो ये एक, मैं आपको बात बताना चाह रहा हूं, ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये ऐसे कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस, और इसके ऊपर मैंने ये इंक्लाइंड प्लेन, इसके ऊपर एक और सरफेस रख दिया है। ये देखिए, इस पर कोई बॉडी रखी हुई है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये इंक्लाइंड सरफेस है। अब ये देखिए, ये इंक्लाइंड सरफेस है इस तरह से, इसके ऊपर अगर मैं कोई बॉडी रख दूं तो, और इस एंगल को धीरे धीरे बढ़ाऊं, तो क्या होगा कि इसके ऊपर रखी हुई बॉडी थोड़ी देर बाद एकदम नीचे की तरफ स्लाइड करने लगेगी। जब वो स्लाइड कर रही थी, करने वाली थी, कर नहीं रही है, करने वाली थी, उस समय ये इंक्लाइंड प्लेन इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ जो एंगल बना रहा है उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ये भी इसी फ्रिक्शन से जुड़ी हुई टर्म है। जैसे सपोज कीजिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे पास ये एक बॉडी है, ये इंक्लाइंड प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब इस बॉडी, ये वो बॉडी है जो इसके ऊपर रखी हुई है। अब धीरे धीरे जब हम इस एंगल को बढ़ाएंगे, इंक्लाइंड प्लेन जो हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है इसको जैसे जैसे बढ़ाएंगे, तो ये जो बॉडी इसके ऊपर रखी हुई है, इट विल जस्ट स्टार्ट्स टू स्लाइड। उस समय ये जो एंगल है, ये एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ रिपोज, यानी कि द एंगल विच द इंक्लाइंड प्लेन मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन व्हेन द बॉडी प्लेस्ड ओवर इट जस्ट स्टार्ट्स टू स्लाइड इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। इट इज डिनोटेड बाय थीटा। आप इसको थीटा से लिखते हैं और ये देखिए, आप अपने नोट्स बनाते जाएं, रजिस्टर में लिखते चले जाएं, इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती। बुक की सहायता से नोट्स अपने खुद के बनने चाहिए। कई बार क्या होते हैं कि वो नोट्स ले ले, वो लिख ले लेते हैं, उससे क्या फ़ायदा होगा। आप अपनी चीज़ बनाइए, अपने नोट्स बनाइए समझते हुए, इसलिए कॉपी लेकर के, पेन लेकर के लिखते जाएं साथ साथ। वीडियो को पीछे करके कोई टर्म्स रह भी जाए तो दोबारा आप उस चीज़ को लिख दें वर्ड्स के साथ अच्छी तरीके से, क्योंकि ये वो चीज़ है जो आपने समझी है। डिफरेंट बुक्स में जब आप पढ़ते हैं तो अलग ढंग से वो कोई चीज़ मिलती है, कोई अलग ढंग से समझा रहा है, तो फिर थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो जो चीज़ समझ में आ जाए उसको रजिस्टर में लिख लेना चाहिए, क्योंकि वो फ्यूचर में जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपके काम आने वाली चीज़ है। तो हम बात कर रहे थे एंगल ऑफ रिपोज की, तो क्या डेफिनेशन हुई एक बार फिर देख लीजिए कि द एंगल व्हेन द बॉडी प्लेस्ड ओवर इट जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड। थीटा इज द एंगल ऑफ रिपोज। यह है। अब यहां पर देखिए, इस अवस्था में जब यह बॉडी जस्ट चलने वाली थी, mg,
एम जी इज दी वेट ऑफ द बॉडी एक्टिंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. क्या है यहां पर? एम जी इज दी वेट ऑफ बॉडी एक्टिंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. और ये देखिए यहां पर, ये जस्ट इस सरफेस के ये नॉर्मल है भाई, इस सरफेस के जस्ट नॉर्मल, तो इसे हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन आर. अब क्योंकि बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड कर रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा बेटे? वो तो ऊपर की तरफ करेगा. दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. हाँ, इस सरफेस के अलोंग करेगा बट डायरेक्शन उसकी अपोजिट में, इस ऊपर की तरफ रहेगी. और आप ये देखिए, जितना ये थीटा है उतना ये भी थीटा है, ये भी वही एंगल है. यहां पर मैंने कहा एम जी इज द वेट ऑफ द बॉडी और एफ क्या है यहां पर? एफ इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. और क्योंकि बॉडी बैलेंस्ड है, जस्ट ये बॉडी स्लाइड करने वाली है, इसका मतलब ये सारे आपस में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में ये सारे एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं. रिजोल्व दिस एम जी इन टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट. रिजोल्व एम जी इन टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स. देखिए इसमें एक जो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट आपको पहले से ही पता है, एम जी कोस थीटा, कोस थीटा के साथ आता है, जबकि जो दूसरा है बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो ये हो जाएगा. ठीक है, दिस इज दैट. और ये क्या होगा हमारा? एम जी साइन थीटा. एक तो हमने क्या लिखा, एम जी कोस थीटा, और जो दूसरा कंपोनेंट है वो हो जाएगा एम जी साइन थीटा. शुरू में ही हमने कहा कि बॉडी इज जस्ट एट ए पॉइंट टू स्लाइड, मतलब स्लाइड कर नहीं रही है, इसका मतलब ये फोर्सेज आपस में बैलेंस कर रहे हैं. बिकॉज द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम पोजिशन एंड सो वी कैन राइट दैट एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ. ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर, ये देख लीजिए, एम जी साइन थीटा जो है ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर है, और ये जो एम जी कोस थीटा है ये हमारे इस नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर रहा है. ये देखिए दूसरी रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, एम जी कोस थीटा इज इक्वल टू आर. एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई और दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये आ गई. दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस बिकॉज द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम पोजिशन. कोई बात ही नहीं है. ऑन डिवाइडिंग दीज टू इक्वेशंस, इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से डिवाइड कर दीजिए. जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एम जी से तो एम जी कैंसिल हो जाएगी, और इधर लेफ्ट साइड में क्या आएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा, जो क्या होता है टेंजेंट थीटा. और इसको हम कैसे लिखेंगे, एफ बाई आर. ये देखिए, और ये भी एक अच्छा हमारे लिए एक रिलेशन आ गया है. ये देखिए, और एक पॉइंट हमने यहां बताया था, एक तो ये रिलेशन हमारे पास आ ही गया है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एफ बाई आर अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ फ्रिक्शन. अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ फ्रिक्शन बेटे वो और बता दीजिए आप, क्या होता है एफ इज इक्वल टू क्या होता है, ये तो आप बार बार यूज कर सकते हैं, बाई म्यू आर, और म्यू इज इक्वल टू एफ बाई आर. ये देखिए, इसका मतलब जहां एफ बाई आर है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, म्यू कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू म्यू. और ये भी एक रिलेशन आ गया. ये सारी की सारी चीजें आगे चल के यूज करेंगे, आपको आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. आप कह सकते हैं दिस इक्वेशन सेट अप द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल ऑफ रिपोज एंड द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन. ये चीज आप लिख सकते हैं. एक रिलेशन अभी थोड़ी देर पहले हमने ड्राइव किया था, वह हमने क्या बताया था, टेंजेंट बीटा वाज इक्वल टू म्यू, वो भी म्यू के बराबर था. इन दोनों रिलेशंस को देखें तो दोनों का जो राइट साइड है वो म्यू कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर है, तो फिर दोनों का लेफ्ट साइड भी बराबर होगा. ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 4 एंड 5 वी कैन राइट,
हम क्या लिख सकते हैं बेटे, देखिए कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा, यानी कि सीधा सीधा हमें पता चला थीटा इज इक्वल टू बीटा। ये देखिए ये क्या है एंगल ऑफ रिपोज, ये क्या है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये तो दोनों बराबर हैं। इसका मतलब क्या निकला कि एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दोनों इक्वल हैं। और क्वेश्चन भी आपसे कई बार यही पूछा जाएगा कि डिफाइन द एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज एंड सो दैट बोथ आर इक्वल। तो फिर आपको यहां तक ये सारे पॉइंट्स जो हैं करने पड़ेंगे, जो आसान है, जैसे ही आप करने लगेंगे एक बार करके देख लेंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से इन चीज़ों को कर पाएंगे। मुश्किल नहीं होता है कुछ भी, लेकिन लिख के देखना, खाली देखने से नहीं पार पड़ने वाली है। जब आप ये वीडियो देखें, मैं बार बार, सभी मेरे बहुत ज़्यादा व्यूअर्स हैं देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो उनसे बस एक ही बात कि डायग्राम बनाते चलें, मेन मेन जो मैथमेटिकल पॉइंट्स हैं वो लिख के देखें, अपनी खुद की नोट्स बनाएं। देखिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी, हम लोग आपको डायरेक्शन दिखाते हैं। कई लोग कहते हैं कि यह देखेंगे तो आप IIT टॉप कर जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको मेहनत करनी होगी, टीचर जो है आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, चलना आप ही को होता है। समझा दिया है, एक बार लिख के देखोगे तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो ऊपर बढ़ जाएगा। तो बेटे ये हमने देखा कुछ टर्म्स, यहां देखी ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। देखिए अब फ्रिक्शन होता क्या है, किन बातों पे डिपेंड करता है, वहीं से उसको रिड्यूस करने की टर्मिनोलॉजी आपके पास आपको पता चल जाएगी। कैसे कि फ्रिक्शन उन सरफेसेस की नेचर और स्टेट ऑफ रफनेस पे डिपेंड करता है जो आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं। स्मूथ ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन कम होगा, रफनेस जितनी कम होगी तो। और दूसरी बात यह है कि सॉफ्ट और हार्ड नेचर पे भी डिपेंड करता है। तो पहला ही आप यही लिखेंगे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस नंबर वन बाय पॉलिशिंग और बाय ग्राइंडिंग द सरफेस, ग्राइंड करके और उस सरफेस को स्मूथ बनाया जा सकता है, तो फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है। तो पहला ही मेथड ये है बाय मेकिंग द सरफेस स्मूथ बाय ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग द सरफेस विच आर इन कॉन्टैक्ट। यही है, ये लिख देना। दूसरा पॉइंट ये क्या है कि ये जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन से काफ़ी कम होता है, और यही कारण होता है कि बाल बेरिंग वगैरह जो व्हीकल्स होते हैं, व्हील्स होते हैं, उनमें बेरिंग यूज़ करते हैं। तो हम दूसरा पॉइंट यही लिखेंगे बाय यूजिंग बाल बेरिंग्स, बिकॉज रोलिंग फ्रिक्शन ऑलवेज रिमेन लेसर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तीसरा पॉइंट बेटे ये देखिए, बाय यूजिंग द लुब्रिकेंट्स सच एज ऑयल, ग्रीस एक्सेट्रा, हम मशीनों में ग्रीस डालते हैं, ऑयल डालते हैं, किस लिए डालते हैं, ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए। बाय यूजिंग एंटी फ्रिक्शन मटेरियल जैसे मोबिल वगैरह गाड़ियों में डाला जाता है जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, तो वो उससे भी फ्रिक्शन रिड्यूस किया जा सकता है। तो बेटे ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिनकी सहायता से फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है। अगर क्वेश्चन ये है तो वो भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। रटना नहीं होता है, समझना होता है कि भाई फ्रिक्शन जो है नेचर एंड स्टेट ऑफ रफनेस पर डिपेंड करता है, तो उन्हीं को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए। अच्छा एक पॉइंट बेटे, फ्रिक्शन जो है हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है या हमारे लिए नुकसानदेह, यानी कि व्हाट देर आर सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द फ्रिक्शन, वो भी हमें पता होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। हम देखेंगे कि फ्रिक्शन जो है उसके एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं, और दोनों को अगर हम एक साथ ध्यान में देखें, जब किसी चीज़ के लाभ और हानि दोनों हों, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक तरह से आवश्यक भी है और हमारे लिए बुराई भी है। यही चीज़ आपसे प्रूव करवा सकते हैं। सबसे पहले आपको ये प्रूव करना है फ्रिक्शन इज नेसेसरी, एक आवश्यक बुराई है। तो इसमें हम एडवांटेज ऐसा हम कब कह सकते हैं कि वह आवश्यक बुराई है, जब उसके एडवांटेज भी हों और उसके डिसएडवांटेज भी हों।
एडवांटेजेस डिसएडवांटेज। चलिए पहले हम एडवांटेज की बात कर लेते हैं कि भाई फ्रिक्शन के क्या फ़ायदे हैं। अच्छा, फ्रिक्शन के फायदे पता, किसी भी चीज़ के फायदे हमें कब पता चलता है कि हम ये मान लें कि अगर वो ना हो तो क्या हो। घर में मम्मी है, पापा हैं, अगर मान लो मम्मी कहीं चली जाती है तब मम्मी की उपयोगिता पता चलती है। सपोज कीजिए मम्मी गई हुई है, अब क्या दिक्कत आएगी आपको। आप वही बात आप यहाँ सोच सकते हैं कि अगर फ्रिक्शन ना हो तो क्या हो। चलिए अगर फ्रिक्शन नहीं है मान लो तो हम चलने लगेंगे तो क्या होता है, जब बारिश का टाइम होता है तो हम ज़मीन स्लिपरी हो जाती है, हम प्रॉपरली चल नहीं पाते, क्यों, फ्रिक्शन कम हो जाता है। ज़रा सोचिए फ्रिक्शन ना हो तो क्या होगा, तो हम बिल्कुल भी नहीं चल पाएंगे। विदाउट फ्रिक्शन वन कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। फ्रिक्शन के बिना हम चल नहीं सकेंगे। अच्छा देखिए देखिए, मैं लिख रहा हूं, अगर पेन और मेरे हाथों के बीच में फ्रिक्शन खत्म हो जाए तो ये तो स्लिप कर जाएगा, तो विदाउट फ्रिक्शन वन कैन नॉट राइट प्रॉपरली। ये लिखना तो छोड़िए, हम खाने लगेंगे तो वो जो ग्रास है वो भी गिर जाएगा, फ्रिक्शन के बिना वो भी हमारे हाथ में नहीं आएगा, यानी वन कैन नॉट ईट प्रॉपरली। अच्छा, वन कैन नॉट मेक नोट्स, गांठ नहीं बना सकते धागे में, जैसे कई बार रेशमी धागा होता है जब वो खींच जाता है, वो इसलिए खींच जाता है क्योंकि उसमें फ्रिक्शन कम होता है, और जब वो फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो क्लोदिंग इज आल्सो नॉट पॉसिबल, और कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस इज आल्सो नॉट पॉसिबल। जैसे एक स्टोन के ऊपर दूसरा स्टोन रखेंगे तो उसमें बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो वहाँ रुक नहीं पाएगा, यानी कि विदाउट फ्रिक्शन वन कैन नॉट मेक द हाउस एक्सेट्रा, ये भी नहीं कर सकेंगे। तो ये तमाम पॉइंट्स हैं जो हमें बताते हैं कि विदाउट फ्रिक्शन वी कॉन्ट इमेजिन एक प्रॉपर लाइफ, सो फ्रिक्शन इज नेसेसरी फॉर अस। लेकिन अब हम उसके डिसएडवांटेज, उसकी कमियां भी हैं बेटे। व्हाट आर द डिसएडवांटेज, एक एक करके आप वो भी लिख सकते हैं, बहुत कमियां हैं। जब किसी की कमियां देखने लगेंगे तो आपको कमियां बहुत नज़र आ जाएंगी, जब किसी के आपकी उसकी अच्छाइयाँ देखने लगें तो अच्छाइयाँ दिखने लग जाएंगी। इस वीडियो को आप देख रहे हैं, अगर आपका उद्देश्य है इसमें से कुछ पॉजिटिव्स लेने का तो बहुत से पॉजिटिव पॉइंट्स आपका आ सकते हैं, आप इसको आगे दूसरे स्टूडेंट्स को भी बता सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर नेगेटिव ढूंढेंगे तो डिफरेंट टाइप की नेगेटिव्स भी मिल जाएंगी। तो डिसएडवांटेज क्या है फ्रिक्शन की, देखिए सबसे पहला नुकसान तो यही है कि फ्रिक्शन अपोज द मोशन, ये मोशन का अपोज करता है, सो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी, किसी बॉडी को मूव करने में हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। दूसरा पॉइंट इसमें यही है, कोई भी कार्य हो फ्रिक्शन की वजह से हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी लग जाती है, ड्यू टू फ्रिक्शन मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू गिवन वर्क। नेक्स्ट पॉइंट ये है, देखिए बेटे जब हम दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं तो उससे फ्रिक्शन पैदा होता है और फ्रिक्शन से वो गर्म हो जाते हैं, अपने हाथों को रगड़िए गर्म हो जाएंगे, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, यानी कि फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट एंड एक्सेस ऑफ हीट मे कॉज द बर्निंग ऑफ द मोटर जनरेटर। काफ़ी देर तक अगर कोई मोटर चली हुई है, जनरेटर चल रहा है, तो क्या कहते हैं कि भाई अब ये बहुत देर हो गई, इसको बंद कर दो, गर्म हो गया। ये गर्मी कहाँ से पैदा हुई, ड्यू टू फ्रिक्शन, और इस फ्रिक्शन की वजह से मोटर की वाइंडिंग या फिर जनरेटर वगैरह ये जल जाते हैं, बिकॉज फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट एंड सो एक्सेस ऑफ हीट में कॉज द बर्निंग ऑफ द वाइंडिंग ऑफ मोटर एंड जनरेटर्स एक्सेट्रा, ये प्रॉब्लम आती है। और दूसरी पॉइंट ये देखिए बेटे कि फ्रिक्शन की वजह से जब हम लोग चलते हैं तो गाड़ियों के टायर घस जाते हैं, रोड टूट जाते हैं, ये फ्रिक्शन की वजह से होता है, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डैमेज द रोड्स एज वेज एल टायर्स, सो रोड नीड्स रिपेयर एंड टायर नीड्स रिप्लेसमेंट। ड्यू टू फ्रिक्शन आवर शूज आवर क्लोथ्स आल्सो गेट डैमेज्ड, सो वी हैव टू परचेज सम न्यू वन। तो ये सब क्या है, ये सब डिसएडवांटेजेज ही हैं फ्रिक्शन के। इसका मतलब फ्रिक्शन के एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं, इन तीनों इन सभी बातों को एक साथ अगर हम अपने दिमाग में रखें तो हम ना फ्रिक्शन को ख़त्म करना चाहेंगे और ना ही फ्रिक्शन को रखना चाहेंगे, क्योंकि ये एक आवश्यक बुराई है। इसीलिए कहते हैं, हम यही कहेंगे, कीप इन माइंड द ऑल दीज थिंग्स एडवांटेज एज वेल
डिसएडवांटेज वी कैन से दैट फ्रिक्शन इज नेसेसरी एविल। तो प्यारे बच्चों, आज आपने फ्रिक्शन के बारे में इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। आप ये मैसेज हम तक ज़रूर पहुंचाएं, और अगर ये चीज़ अच्छी लगती है तो दूसरों को भी शेयर करें, और इस चैनल को फिजिक्स बाय आईसी सर इसको सब्सक्राइब करें। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।